नमस्कार और आप देख रहे हैं पलपल। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के दौरान मुख्यमंत्री दूरदर्शी शिक्षा कार्यक्रम के तहत राज्य के स्कूली बच्चों की शिक्षा बेहतर करने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया है। इसके लिए राज्य सरकार ने रिलायंस जियो टीवी के साथ एक करार किया है। इसमें जानकारी देते हुए हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा है कि रिलायंस जियो टीवी के साथ किए गए करार में के तहत एजुसेट के चारों चैनल अब जियो के प्लेटफार्म पर निःशुल्क उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य वर्तमान कोविड-19 की परिस्थिति में हर स्कूली विद्यार्थी तक उनके स्तर पर शिक्षा पहुंचाना है। सरकार की इस नई पहल से विद्यार्थी टीवी पर, लैपटॉप पर और डेस्कटॉप पर तथा टैबलेट के जरिए और मोबाइल के माध्यम से एजुसेट के चारों चैनल देख सकेंगे। यही नहीं, इस बाद में ये खास बात ये भी रही कि टीवी पर प्रसारित की गई सामग्री एक सप्ताह तक जियो टीवी पर उपलब्ध रहेगी। इससे विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार और समय के अनुसार इसे देख सकेंगे। इसके साथ साथ शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के कई ऐसे कदम हैं जिसमें प्रदेश के प्राइमरी, सरकारी और स्कूलों में पढ़ने वाले हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड CBSE बोर्ड के अलावा अन्य कई बोर्डों से पढ़ाई करने वाले हिंदी अंग्रेजी माध्यम के करीबन 52 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिल सकेगा। हरियाणा में जियो के करीबन 94 लाख उपभोक्ता हैं, जिसमें प्रदेश के अधिकतर लोगों की रिलायंस जियो टीवी तक पहुंच आसान है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के जो विद्यार्थी JEE व नीट की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अलग से शैक्षणिक सामग्री प्रसारित की जाती है। शिक्षा मंत्री ने हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री दूरदर्शी शिक्षा कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि कोविड-19 की प्रतिकूल परिस्थितियों में वह हर विद्यार्थी तक आवश्यक शिक्षा पहुंचाने का कार्य कर रहा है। इस दूरदर्शी शिक्षा का आरंभ गत 15 अप्रैल 2020 से हुआ था, जो कि निरंतर जारी है और राज्य सरकार के रिलायंस जियो टीवी के साथ किए गए नए करार में दूर दराज के क्षेत्र के विद्यार्थियों को भी लाभ मिल सकेगा। पलपल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट। दूरवर्ती बच्चों की शिक्षा के लिए हरियाणा सरकार ने जियो के साथ एक करार किया है और अब सारा जो एजुकेशन देने का कार्यक्रम है वो जियो के माध्यम से भी किया जाएगा, जिसके द्वारा लैपटॉप पे भी, आप टीवी पे भी, लैपटॉप पे भी और दूसरे अन्य जो सोर्स उनके हैं मोबाइल भी, उन पे सारे जितने भी हैं उन पर सभी बच्चे इस कार्यक्रम को देख सकेंगे। और जहाँ कई बार इसकी दिक्कत रहती थी बिजली की या दूसरी, तो वो भी कोई समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो सारा सारा पाठ्यक्रम है जो हम जानकारी दे रहे हैं 7 दिन तक उस पर टीवी पर उपलब्ध होगी और किसी भी समय बच्चे उसको देख सकते हैं। 7 दिन तक वो उस पर उपलब्ध रहेगी, किसी टाइम भी जो भी टाइम उनको मिलेगा तो उस टाइम के अनुसार वो बच्चे उस पर देख सकते हैं। और जियो की का जो पहुँच है बहुत बड़ी है, लगभग 94 लाख लोग जो हैं जो उनके संपर्क में हैं और इसकी वजह से बहुत बड़ा लाभ सभी बच्चों को होगा। तो मेरी सभी बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और वो अपना समय निकाल कर और इसके माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। और जो कोविड-19 की वजह से हमारी शिक्षा प्रभावित थी, अब नया एग्रीमेंट किया है जियो के साथ, इससे निश्चित तौर से हमें लाभ मिलेगा और हमारे बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो सकेगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूरवर्ती बच्चों की शिक्षा के लिए हरियाणा सरकार ने जियो के साथ एक करार किया है और अब सारा जो एजुकेशन देने का कार्यक्रम है वो जियो के माध्यम से भी किया जाएगा, जिसके द्वारा लैपटॉप पे भी, आप टीवी पे भी, लैपटॉप पे भी और दूसरे अन्य जो सोर्स उनके हैं मोबाइल भी, उन पे सारे जितने भी हैं उन पर सभी बच्चे इस कार्यक्रम को देख सकेंगे। और जहाँ कई बार इसकी दिक्कत रहती थी बिजली की या दूसरी, तो वो भी कोई समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो सारा सारा पाठ्यक्रम है जो हम जानकारी दे रहे हैं 7 दिन तक उस पर टीवी पर उपलब्ध होगी और किसी भी समय बच्चे उसको देख सकते हैं। 7 दिन तक वो उस पर उपलब्ध रहेगी, किसी टाइम भी जो भी टाइम उनको मिलेगा तो उस टाइम के अनुसार वो बच्चे उस पर देख सकते हैं। और जियो की का जो पहुँच है बहुत बड़ी है, लगभग 94 लाख लोग जो हैं जो उनके संपर्क में हैं और इसकी वजह से बहुत बड़ा लाभ सभी बच्चों को होगा। तो मेरी सभी बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और वो अपना
समय निकालकर और इसके माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। और जो कोविड 19 की वजह से हमें बहुत हमारी शिक्षा प्रभावित थी, अब नया एग्रीमेंट किया है जियो के साथ, इससे निश्चित तौर से हमें लाभ मिलेगा और हमारे बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो सकेगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।